अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहादुन में आप सभी का खैर मकदम है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको तमाम वो वीडियो दिखाएंगे जिसमें यूक्रेन को लेकर क्या मामला पेश आया है। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री यानी कि वजीर आजम का वो वीडियो जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, वो आखिर जाते क्यों, यहाँ का पैसा वहाँ क्यों देते हैं, कई सारे मामला है। फिर उसके बाद क्या हालात पेश आ रहे हैं तुलबाओं के साथ, क्या परेशानियां, क्या तकलीफात हैं, कितनी, वो उसके तमाम वीडियो पहले देखिए, फिर उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। आज हमारे बच्चे पढ़ने के लिए, खास करके मेडिकल एजुकेशन के लिए, दुनिया के छोटे छोटे देशों में जा रहे हैं। वहां लैंग्वेज भी प्रॉब्लम है, फिर भी जा रहे हैं। देश का अरबों खरबों रुपया बाहर जा रहा है। कोई भी ऑफिशियल हमसे कॉन्टेक्ट नहीं किया, कितना संभालेंगे, अपने जूनियर्स को संभालते संभालते अब कितना संभालेंगे। दोपहर के 2 बजे कल से निकले हैं, अभी तक कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ। इससे अच्छा तो साला मर जाते हम लोग, वही कोई आके मिसाइल मार देता। हमें कोई माँ बाप ही नहीं है यहाँ पे, कोई पूछने वाला ही नहीं है। सिर्फ बातें हो रही है कि हाँ आपके लिए ऑफिसर खड़े हैं। कौन ऑफिसर खड़ा है? कोई नहीं खड़ा है यहाँ पे, कैसे निकलेंगे हम। मेरा नाम सौरभ कुमार है, मैं दानीपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी का 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ और ये सभी मेरे साथी हैं जो हमारे साथ यहाँ पर पढ़ते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि इस टाइम वॉर छिड़ चुका है और हम सब यहाँ पर बहुत अनसेफ हैं, बहुत अनसेफ फील कर रहे हैं। कोई हमारे पास फूड भी इतना रिजर्व नहीं है, एक आध दिन का हमने खरीदा बस, अब वो भी ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है। हमको यहाँ पे बिल्कुल भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही है, कीजिए वरना 10 से 15 हजार बच्चे हैं जो यहाँ पे इंडियंस शायद अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, जो इन फ्यूचर उनको सरकार गवा देगी, अपना देश गवा देगा। और शर्म की बात है, पाकिस्तान वालों ने इवैक्यूएशन कर लिया है अपने बच्चों का, अपनी इंडियन गवर्नमेंट नहीं इवैक्यूएशन कर पा रही है, कितनी शर्म की बात है हमारे लिए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तान देश जो अपने से कितने पीछे है, उन्होंने इवैक्यूएशन कर लिया है, पर जो इंडिया इतना डेवलप्ड देश जिनके लिंक अच्छे हैं इतने रशिया के साथ, वो इवैक्यूएट नहीं करा पा रहे हैं अपने बच्चों को, कितनी शर्मनाक बात है अपने लिए। हेलो, मेरा नाम गरिमा मिश्रा है, मैं यूपी लखनऊ से हूँ। हम कीव में स्टक हो चुके हैं, पूरी चारों तरफ से घिर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई हेल्प नहीं दे रहा है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को कोई हेल्प, जो भी हमें हेल्प होनी है वो मिलने वाली नहीं है। हमने कुछ वीडियोस देखी है जब अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हम एमबीसी को कॉल्स कर रहे हैं, एमबीसी हमें हमारी कॉल्स नहीं उठा रही है। सेकेंड थिंग, हम लोगों को बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो पा रहा। हम सिर्फ यहाँ पे फंस चुके हैं, जिस जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो कल रात को हंगामा करते हैं, वो गेट तोड़ते हैं, देन उसके बाद अंदर आने की कोशिश करते हैं। क्या होता है हमें कुछ भी नहीं पता, यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं पता जो हमारे साथ सिचुएशन। लेकिन जब अभी कुछ टाइम के बाद हमने सोचा कि हम यहाँ से निकलते हैं और हम यहाँ से किसी तरह निकलते हैं बाई ट्रेन, क्योंकि हम बाई ट्रेन निकले या फिर हम बसेस निकले, कार से निकले। कार से अभी जस्ट मेरे एक दोस्त ने बताया है मुझे कि जो बच्चे यहाँ से निकले हैं कीव से बाई कैब और बाई बस, उनको रशियन आर्मी ने पहले स्टक किया, उन पे फायरिंग करी और उनकी लड़कियों को लेके, उन इंडियंस लड़कियों को लेके गए, पता नहीं कहाँ लेके गए, ये किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ लड़कियों को। इंडियन एम्बेसी में ये इनका नाम दिखा देते हैं आपको, विक्रम कुमार। वी आर कॉलिंग देम एंड ही इज कंटिन्यूसली रिजेक्टिंग आवर कॉल्स, जबकि हम लोगों ने इनको रोमानियन बॉर्डर की वीडियोस भेजी हैं जहाँ पे लड़कियों को बेरहमी से मारा जा रहा है। और इन्होंने अभी दोपहर में ही हम लोगों को बोला है कि कीव के बच्चे जितने भी निकल पा रहे हैं ट्रेन से निकल जाएं बॉर्डर्स पे। इस हालात में हम लोगों को गाइडेंस देने के बजाय ये लोग हमारे कॉल्स कट कर रहे हैं एंड दे आर कम्प्लीटली इग्नोरिंग अस। सारी कंट्रीज के सारी गवर्नमेंट्स ने उन लोगों को निकाल लिया है, बट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर अस। दे आर सेइंग दे आर इवैक्यूएटिंग द इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम बॉर्डर, द बॉर्डर इज 800 किलोमीटर्स फ्रॉम आर करंट लोकेशन। हाउ आर वी एज अ स्टूडेंट सपोज टू रीच दोज बॉर्डर्स? आप जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं इंडिया के, हम लोगों को सुन रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, आप प्लीज इंडिया मीडिया की न्यूज खबरों को मत बिलीव कीजिए कि वो लोग हमें यहाँ पे मदद दे रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। आप लोग प्रोटेस्ट करना चालू करिए, इंडिया पे प्रेशर डालिए गवर्नमेंट पे, तभी हम 20 से 30 हजार बच्चे जितने भी यहाँ पे स्टक हैं इंडियन मेडिसिन स्टूडेंट्स,
सॉरी फॉरेन मेडिसिन स्टूडेंट्स वो निकल पाएंगे। मैं तनुजा पटेल पोलतावा से, पोलतावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से, मैं परसों से निकली हुई थी रोमानिया बॉर्डर के लिए और मैं कल सुबह पहुंची थी रोमानिया बॉर्डर और कल से लेकर आज तक रोमानिया बॉर्डर में 27-28 घंटे के बाद हम सिर्फ आधा किलोमीटर दूरी तक पहुंचे थे। उसके अलावा जो गवर्नमेंट बता रही है इंडियन की सारी चीज प्रोवाइड कर दी गई है, मंत्री आए हुए हैं और हम बहुत हेल्प कर रहे हैं, ऐसी कोई हेल्प नहीं हुई है हमारी, ये सब झूठ है। ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಮೀನಮೇಷ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನೆ ಕೆಲವು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಡೀ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಎರಡು ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈಗಾರು ಕೂಡ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಭಾರತೀಯರು ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕರೆಸಿ ಆ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರೋಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರ ಹೊಣೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯ ಬಹಳ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ। वैसे मीडिया का काम सत्ता से सवाल करना होता है, कहते हैं लोकतंत्र में मीडिया विपक्ष का किरदार निभाता है, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है गोदी मीडिया का कयामा मन में आया। मेन स्ट्रीम मीडिया या फिर भाजपा आई टी सेल झूठ फैलाकर मोदी सरकार की पीठ थपथपाने की जद्दोजहद में लगा रहता है। कुछ भी ऐसी बात जिसका ना सर होता है ना पांव, लेकिन उसे मोदी सरकार की जय जयकार से जोड़ने की बीमारी लगी हुई है देखी जाती है। जहां सरकार से सवाल पूछना होता है वहीं मास्टर स्ट्रोक विश्वगुरु जैसे अलकाब से नवाज कर अंधवक्ति का मुजाहरा करते हुए देखा जाता है। अब इसे राष्ट्रवाद से भी मंसूब करते हुए अगर आप मोदी सरकार की मुखालफत कर रहे तो देशद्रोही भी कहलाए जा सकते हो। खैर आज एक बार फिर से मोदी हुकूमत यूक्रेन मामले को लेकर बेनकाब हो चुकी है। महज कुछ तुलबाओं को यूक्रेन से भारत लाकर मोदी हुकूमत ने कितना बड़ा काम अंजाम दिया है ऐसा दिखाते हुए अगर यूक्रेन में पढ़ने वालों को कोई ला सकता है तो मोदी सरकार ही ला सकती है, ऐसी तस्वीर बनाने की कोशिश की गई। लेकिन अंधभक्तों को, मोदी भक्तों को ये बात जरूर जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि झूठ वक्ती तौर पर तो कामयाब हो सकता है लेकिन सच को कभी शिकस्त नहीं दे सकता। लिहाजा सोशल मीडिया में तमाम तस्वीरें वायरल हो चुकी है, वीडियोस वायरल हुए हैं जहां भारत के तुलबाओं के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। वालिदैन रो रहे हैं, किसी तरह पढ़ने गए हुए बच्चे घर वापिस लौटा है, इसके लिए सुबह शाम इंडियन एम्बेसी से राबता करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी हजारों तुलबा बंकर में छुपे हुए हैं और इसी दरमियान एक और बुरी खबर ये हासिल हुई कि हमारे ही यानी कि कर्नाटक रियासत हावेरी का नवीन जो MBBS चौथे साल में पढ़ रहा था खाना लाने के लिए सुपरमार्केट गया था तो रूसी फौजियों की गोलीबारी का शिकार हो गया और मौत हो गई। अब इसे क्या कहा जाए? आखिर भारत सरकार तहफूज की जिम्मेदारी किस बुनियाद पर लेगी? जंग और तेज होती दिखाई दे रही है। इत्तला के मुताबिक खाने को कुछ भी नहीं है, भारत की एम्बेसी कुछ कह रही है और वही की तस्वीरें कुछ और कह रही है। अब तो यूक्रेन से तुलबा और तालिबान खुद वीडियो कॉलिंग के जरिए खौफनाक हालात बता रहे हैं। आखिर कब तक खामोशी रहेगी? भूखे रहने से हम मर क्यों नहीं जाते ऐसा कहते हुए भी देखा जा रहा है। भारत के आला अफसरान लेने आएंगे कहा जा रहा है, कहां है कोई भी नहीं आ रहा। क्या मरने के बाद आएंगे ऐसा सवाल भी इन तुलबाओं के जानिब से पूछा जा रहा है। दूसरी तस्वीर यह है कि गोदी मीडिया मोदी सरकार की तारीफ करते थक नहीं रही, यहां तक झूठ बोले जा रहे हैं कि सिर्फ भारत ही एक ऐसा मुल्क है जिसने यूक्रेन जाकर तुलबाओं को वापस लाया है। जिसका फैक्ट चेक किया गया तो यह भी झूठ साबित हुआ। इससे पहले भी उम्रसीदा हेमामालिनी भक्त होने की तमाम हदों को पार करते हुए ये कहा कि पूरी दुनिया भारत की तरफ उम्मीद से देख रही है कि मोदी जी ही जंग को रोक सकते हैं। कहने का मतलब किस हद तक अपने मियार से गिर जाते हैं किसी की चापलूसी में। भारत हमेशा न्यूट्रल ही रहा है, अब तक किसी ठोस फैसले पर जा नहीं पाया, लिहाजा आज हजारों बच्चे अपने वालिदैन से दूर है, इनकी जिंदगी खतरे में है। पर भारत के तमाम नेताओं को यूपी चुनाव की पड़ी है, वजीर आजम नए नए झूठ बोलते देखे जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जब भारत के हजारों तलबा यूक्रेन में भूखे प्यासे जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं ऐसे वक्त में चुनावी इजलास में आखिर दिल कैसे लगता होगा इन सियासी लीडरों का? उन माओं का क्या होगा जिनका लाल हजारों किलोमीटर दूर बंकर के नीचे भूखा रात गुजार रहा है? अगर किसी की मौत भी होती है तो
तो इसका इवेंट बनाने की आदत इस हुकूमत को है। अब मौतों की खबरें आ रही है, 3 लड़कियां अगवा होने की भी तलाश हासिल हो रही है। रोमानिया सरहद पर भारत के तुलबाओं को रूसी फौजियों की जानिब से लात से मारा जा रहा है। इसके बावजूद गोदी मीडिया और मोदी सरकार झूठ परोसने से बाज नहीं आ रही। कांग्रेस का डीके शिव कुमार ने हावेरी के नवीन की मौत पर सीधा मोदी सरकार और रियासती भाजपा हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हुए गैर जिम्मेदार सरकार के तौर पर कहा है। गोदी मीडिया तो विदेश में भी मोदी सरकार का डंका पीटने के चक्कर में जिल्लत कराती नजर आ रही है। हाल ही में भारत के रिपोर्टर ने भारत को अमेरिका का डिफेंस पार्टनर कहने पर जो बाइडेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी हुकूमत का ही मजाक उड़ाया गया। भारत में तो सुबह शाम झूठ का बोलबाला हो ही रहा है, विदेशों में भी इस तरह करने की कोशिश जारी है, पर जोरदार जिल्लत होते दिखाई दे रहे। लिहाजा अब हजारों बच्चों को यूक्रेन से लाने का मसला खड़ा हुआ है। आज कर्नाटक के बच्चे की मौत से मामला बहुत संजीदा होता जा रहा है। एक वायरल वीडियो में वजीर आजम मोदी भारत के तुलबा छोटे छोटे मुल्कों में क्यों पढ़ने जाते हुए कहते देखा जा रहा है। आखिर वजीर आजम को कैसे समझाया जाए कि भारत में MBBS के लिए करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं, रिश्वतखोरी में भारत सरे फहरिस्त है, वही यूक्रेन या दिगर ममालिक में बहुत कम फीस में MBBS सीखते हैं। पहले वजीर आजम को करोड़ों की फीस कम करनी होगी, वरना तो क्या भारत की आवाम बेवकूफ है जो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजती है। यूक्रेन रशिया जंग शिद्दत इख्तियार करती दिखाई दे रही है। वैसे हालात भी संजीदा और नाजुक हो रहे हैं, हजारों तुलबाओं की जिंदगी खतरे में है, पर सवाल 56 इंच का सीना रखने वाले वजीर आजम पर ही उठता है, क्योंकि जब जीत का सहारा इन्हीं के सर बांधा जाता है तो फिर हालात आते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी भी इन्हीं को कबूल करनी होगी। अब तो गोदी मीडिया से आवाम का भरोसा ही उठता जा रहा है। आपने वीडियो में देखा होगा कि जिसका नाम लिए बगैर हमारे मुल्क के भाजपाइयों की ना तो सुबह और शाम होती है, उस पाकिस्तान ने अपने तमाम स्टूडेंट्स को यूक्रेन से ले गया, लेकिन भारत के हजारों स्टूडेंट्स फंसे हुए आप वीडियो में देख सकते हैं, इन्हें खाना तक मयसर नहीं हो रहा। लिहाजा हमारी भी वजीर आजम से गुजारिश है, आज एक माँ ने अपना लाल खोया हुआ है, फिर कोई नवीन की खबर आने से पहले जल्द तमाम बच्चों को भारत लाया जाए ताकि तमाम वालिदैन इत्मीनान की सांस ले सके। यही आज का पैगाम। बेलगाम शहर में पिछले कुछ दिनों से आग लगने की वारदातें पेश आ रही है। आज बेलगाम किला खंडक में आग लगने से अवाम में डर का माहौल देखा गया। तेजी से बढ़ती आग के मद्देनजर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और आग को काबू पाया गया। आज मरकजी वजीर नितिन गडकरी के हाथों इफ्तिताही कामों को अंजाम दिया गया। नितिन गडकरी के हाथों 5 हाईवे प्रोजेक्ट की संगे बुनियाद रखी गई। बेलगाम गोवा सड़क का भी इफ्तिताह आज अमल में आई। बेलगाम जामबोटी चोरला सांखली 70 किलोमीटर सड़क बनेगी और भी कई प्रोजेक्ट की शुरुआत आज की गई। नॉर्थ के MLA अनिल बेनके ने फ्लाईओवर का मुतालबा पेश करते हुए कहा कि गांधीनगर से चन्नम्मा सर्कल, केली से गोगटे सर्कल और जो सड़क बसंतकुर्ची से अलारवाड़ तक की मांग की है। इस वक्त वजीर आला बसवराज बोम्मई, जिले वजीर गोविंद करजोड़ और दिगर जिम्मेदार वजरात शरीक रहे। बेलगाम शहर और अतराब में चोरी और घर फोड़ने की वारदातों में मुस्तकिल जारी है। कल दिन दहाड़े मारकंडे नगर में 9 लाख रुपए के कीमती जेवरात चोरी होने की वारदात पेश आई है। सिद्धप्पा जक्कन्नावर कुछ काम से घर को बंद कर गए थे, लेकिन उनके घर का ताला तोड़कर चोरों ने 9 लाख रुपए के जेवरात पर हाथ साफ किया। मामला APMC थाने में दर्ज किया गया। बेलगाम और अतराब में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले पेश आ रहे हैं, जबकि पुलिस की जानिब से बारहा किसी तरह के फर्जी फोन, OTP, OLX, QR कोड, मैट्रिमोनियल, जॉब, हाउसिंग लोन, कस्टमर केयर, KBC वगैरह से सावधान रहे, लेकिन इसके बावजूद भी मामले दर्ज हो रहे हैं, ऐसा पुलिस का कहना है। कोरोना के दौर में काफी लोगों ने नौकरियां कारोबार से हाथ धोया हुआ है और ऐसे लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। परेशान लोग किसी तरह कम वक्त में मालदार बनने के धोखे का शिकार हो जाते हैं और जो भी बचा कुचा होता है वो फ्रॉडस्टर के हवाले कर देते। लिहाजा एक बार फिर ऑनलाइन फ्रॉड से बचने की गुजारिश CEN की जानिब से किया गया है। आज भी हिजाब मामला थमा नहीं है। लिहाजा उड़पी PU कॉलेज की 3 तुलबा जिन्होंने हिजाब मामले को लेकर हाईकोर्ट में पिटीशन दर्ज की थी और अदालत का दरवाजा खटखटाया था, इनमें से अलमास, हाजरा शिफा और बीबी आयशा को फिर से इम्तिहानात को बैठने नहीं दिया गया। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात कहते हुए कहा कि कॉलेज प्रिंसिपल ने इन्हें हिजाब निकाल कर आने के लिए कहा, जब हमने नहीं कहा तो पुलिस बुलाकर गिरफ्तार करने की धमकी दी। क्या हमने जुर्म किया हुआ है और हमें इम्तिहान को क्यों बैठने नहीं दिया गया, ऐसा सवाल इनकी जानिब से किया गया। वाजह रहे अलमास, हाजरा शिफा और बीबी आयशा जिन्होंने सबसे पहले हिजाब किसी हाल में न उतारने की बात कही थी, उतारने की बात कहते हुए हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी, जिसके बाद मामला आलमी सत्र पर सुर्खियों में रहा। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। नानु अलमास उर्फी हिजाब बैन विक्टिम एंड हाईकोर्ट पिटीशनर इवत्तु नमगे फाइनल प्राक्टिकल लैब्स इत्तु एंड नावु कॉलेज गे होद्रु नानु मत्ते नन्न एरडु साइंस अन्नुवरु फ्रेंड्स
ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಹಿಜಾಬ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀರಿ ಅಂತೆ. ನಾವು ನಮಗೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ನಾವು ಹಿಜಾಬ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೀತೇವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅವರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ, ಸೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ. ಲೈಕ್ ದೆ ಸೆಡ್ ದಟ್ ನೀವು ಹಿಜಾಬ್ ತಗೊಂಡುಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಲೈಕ್ ಅವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ನಾವು ತುಂಬಾ ಹೋಪ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ. ಓದಿಕೊಂಡು 2 ಮಂತ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ ಓದಿದ್ದೇವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಯಾವ ತರದ ನ್ಯಾಯ? ನಾವು ಎಂತ ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡಿದೆಯಾ? ಜಸ್ಟ್ ಅವರು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಡಿ, ನೀವು ಹೋಗಿ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರಿಯೋಲ್.